करेंसी नोट प्रेस नाशिक जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, उनकी तरफ से वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं फॉर द वेरियस पोस्ट। यहाँ पर वैकेंसीज रहेंगी फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिस्ट असिस्टेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ब्रीफली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, ग्रेजुएटेड हो, डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से हो या फिर ITI पास किया हुआ है, तो ये जो वैकेंसीज हैं, जो ये पोस्ट हैं, ये आप सबके लिए हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को, बिकॉज इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि कवर की जाएंगी। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल यूरोपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। एंड यस, लिंक प्रोवाइडेड है टेलीग्राम चैनल का इन द डिस्क्रिप्शन, तो टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करना है आपने फॉर द मोर जॉब अपडेट्स। तो बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो पोस्ट आउट हो चुकी हैं इन वैकेंसीज के लिए। लास्ट डेट की मैं बात करूँगी इस वीडियो के एंड में, लेकिन पहले बात करते हैं कि ये क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगी और कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी पैकेज है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा इन सभी पोजीशंस के लिए। जो फर्स्ट पोजीशन है ये है सुपरवाइज़र की एंड टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एंड सैलरी यहाँ पर 27,600 से लेकर 95,910 की यहाँ पर सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है इन पोस्ट के लिए। सुपरवाइज़र एंड सुपरवाइज़र ऑफिशियल लैंग्वेज की, इन दोनों पोस्ट के लिए सेम सैलरी पैकेज है। एंड सुपरवाइज़र की 2 वैकेंसीज हैं, सुपरवाइज़र ऑफिशियल लैंग्वेज की 1 वैकेंसी आउट हैं। डिप्लोमा किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री है, इन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेंगे, एज लिमिट, अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। 18 से 30 इयर्स की एज में लाइक करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। देखिए, एक बात मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि जहाँ पर आपको एज लिमिट दिख जाए कि 30 तक है, 28 तक है, तो मतलब वहाँ पर फ्रेशर्स ईजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इतनी एज लिमिट मैंशन की गई है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा। एक्सपीरियंस्ड हो या फिर एक्सपीरियंस नहीं हो तो भी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, अब नेक्स्ट वैकेंसी की मैं बात करूं, सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी है, 1 पोजीशन आउट है जनरल कैटेगरी की। मास्टर्स यहां पे रिक्वायर्ड रहेगी, सेम क्राइटेरिया रहेगा। आर्टिस्ट की पोजीशन भी आउट की गई है। अब यूजली स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने बैचलर्स इन आर्ट्स की हुई है या फिर ग्रेजुएशन में उनका आर्ट सब्जेक्ट रह चुका है, पता नहीं वो ऐसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के लिए वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एक वैकेंसी यहाँ पर भी आउट हुई है। तो आर्टिस्ट की वैकेंसी है, क्या रिक्वायर्ड है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स रिक्वायर्ड है। आप अगर आपने किया है BFA तो आप कर सकते हैं, या फिर वोकेशनल कोर्स किया है ग्राफिक्स का तो आप इस पोजीशन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आउट की गई है, 18 से 20 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। सैलरी पैकेज भी क्लियरली मैंशन किया गया है, 23,000 प्लस से लेकर 85,000 प्लस तक की यहाँ पर सैलरी पैकेज यहाँ प्रोवाइड किया गया है। एंड यस, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट आउट की गई है, सेम सैलरी पैकेज है आर्टिस्ट और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का, 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 18 से 28 ईयर्स तक की यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा इन पोजीशंस के लिए। जूनियर टेक्नीशियंस की बहुत सारी वैकेंसीज आउट है, सेम सैलरी पैकेज है, 18,780 से लेकर 67,390 तक का यहाँ पर सैलरी पैकेज रहेगा। मल्टीपल पोजीशंस यहाँ पर आउट की गई हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसीज हैं एंड मैकेनिस्ट में 2 वैकेंसीज हैं, फिटर में 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसीज हैं, वर्कशॉप एयर कंडीशनिंग में 4 वैकेंसीज हैं एंड गैस प्रिंटिंग कंट्रोल में 92 वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है। ITI पास सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड रहेगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा एंड 25 ईयर्स तक की यहाँ पर एज लिमिट बताई हुई है। 25 ईयर्स एज लिमिट है, फ्रेशर सो ईजिली अप्लाई करो, चांसेस बहुत होते हैं सिलेक्ट होने के। तो मल्टीपल पोजिशंस आउट हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही हैं। 19 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 18 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो इन पोजीशंस के लिए। एंड यस, जो भी वेबसाइट लिंक है वो ओपन रहेगा 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक। स्टूडेंट्स होते हैं, पूछते हैं कि एप्लीकेशन लिंक अभी तक क्यों नहीं आया, तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए, कुछ वैकेंसीज होती हैं जिसमें डिले हो जाता है वेबसाइट की तरफ से या वेबसाइट में कोई एरर्स आते हैं, लेकिन हर वैकेंसी में ऐसा नहीं होता। तो आपको गो थ्रू करते रहना है वैकेंसीज को, सॉरी वेबसाइट को एंड वैकेंसीज को भी, कि जब तक आपको कुछ मिल ना जाए लिंक्स वगैरह। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर पीडीएफ फॉर दिस। कोई रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू है, प्रिपरेशन करना है, फिल आउट कर सकते हो गूगल फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो कि प्रोवाइडेड है। एंड यस, यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स बताई हैं, जनवरी फरवरी 2024 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। एग्जामिनेशन के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब क्या करना है, अप्लाई करना है इन पोजीशन के लिए। कैसे अप्लाई करना है,
ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक प्रोवाइडेड है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पीडीएफ का लिंक भी, तो गो थ्रू कीजिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ, पीडीएफ के साथ। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर ही दिया है नोटिफिकेशन, एंड वेबसाइट लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, गो थ्रू कीजिए एंड वेबसाइट को अप्लाई कीजिए इन पोजिशन के साथ। कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस फॉर दिस। एंड येस, फॉर दिस एप्लीकेशन ऑल द बेस्ट टू यू, अप्लाई कीजिए, थैंक यू।